एकानी गाना बोले तो 15-20 मिनट लगते। गाड़ी खराब हो गई, सेल्फ नहीं उठा रही। हाँ, ये हमारे देखो भाई, देखो गाड़ी खराब, देखो कैसी हो गई, देखो खोल के बैठ गए, ठीक है। ये गाड़ी आई मजदा, इससे लगा इसको बैठ गई तो भी फायदा नहीं, मैकेनिक बुलाना जरूरी है। अभी हम कहाँ पर है, कौन सा माता ही है, माता फात 24 नंबर दिराप नंबर दिराप, ये माता फात यहाँ पर मैकेनिक है, लेकिन वो मैकेनिक आ रहा नहीं। क्या वीडियो है रहे? ये है गाड़ी, बैटरी, यूट्यूब पर डालती वीडियो। ये इश्तराक और ये निजाम भाई। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत भाई? फोन में कौन की बात कर रहे हैं, उनको भी सलाम बोलो। दोस्त है। वालेकुम सलाम। पहली बार जा रही तेरी बात इससे तैयार आई हेड वाली। ये तो भाई फुल प्यास लग रही, तो हम ये हमदियात लिए। हमदियात कैसा लिए जी भाई? गरज जमा करके पियो। साला गाड़ी तमाशा करके रखिया, वल्लाही तमाशा हो गया है, वल्लाही तमाशा। ऐसा अगर कहीं बीच रोड में हुआ ना भाई, बहुत तकलीफ झेलना पड़ता। देखो ये जगह है, ये जगह है। अब मैकेनिक आना बोले तो 15-20 मिनट लगते। तो दोस्तों मेरी गाड़ी तो खराब हो गई है, अभी ये मैकेनिक की गाड़ी है, वो बंदा आया है, आने के बाद जो है मैं उसको लाके उसके रूम पे छोड़ दिया। मैं ये गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ अभी, क्योंकि वो गाड़ी मेरा ऐसे ही नहीं ले जा सकते, उसके लिए सतहा चाहिए। सतहा यानी कि जैसे इंडिया में टोचन करके ले जाते हैं, या गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के ले जाते हैं, यानी कि एक छोटा सा ट्रक आएगा वो गाड़ी को रख करके ले जाएगा। तो अभी मैं मनफूहा के पास में हूँ, वो मैकेनिक को छोड़ दिया, अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास में। जो जो मेरा सामान है वो सामान मैं ले करके चला जाऊँगा। ये जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ है, ये 2007 मॉडल की गाड़ी है, पुरानी है, पूरा अंदर सही नहीं है, नहीं बता रहा हूँ इसीलिए। तो भाई ये गाड़ी चला रहा हूँ तो खतरनाक आवाज़ आ रही है, देखो इसके पूरे मीटर के लाइट्स चालू है, पता नहीं किसका क्या क्या ख़राब है। वैसे बहुत पुराने मॉडल की गाड़ी है, तो आपको गाड़ी का ग्लास गंदा है थोड़ा, तो मेरा देखो गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गया। तो मैं आपको बताऊँगा कि सऊदी अरब में जब भी आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो जाती है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले हम सामान ले लेते हैं गाड़ी में से, यहाँ हमको यू टर्न करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा गाड़ी खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है गाड़ी, इधर देखो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ से यू टर्न करना है, इंडिकेटर डाल के आपको यू टर्न कर लिया हमने ऐसा, बिस्मिल्लाह, ठीक है। गाड़ी में से पूरा सामान पहले निकालते हैं, ये हमारा गाड़ी है भाई। तो दोस्तों सऊदी अरब में जब भी आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, कहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो आपको जो है आपसे अगर हो सकता है अगर कुछ करना, मैंने जो मेरी गाड़ी को भी पूरा कोशिश कर लिया, क्योंकि दूसरा बैटरी लगा के देखा और जो है दूसरा गाड़ी से कनेक्शन लगा के देखा, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसका प्रॉब्लम निकला सेल्फ मोटर का, सेल्फ स्टक हो गया। तो वो सेल्फ का भी रिपेयर करने के लिए उसको कंपलसरी वर्कशॉप में देना पड़ेगा। तो मैकेनिक आया हमारा, परमानेंट एक मैकेनिक है वो आया, ये गाड़ी उसी का है, GM से ये पुराना वाला। तो मैं ये लेकर के जा रहा हूँ, वो आएगा सतहा में, वो गाड़ी को ले जाएगा शो वर्कशॉप में, रिपेयर करेगा, फिर वो घर पे लाके देगा, ऐसा सिस्टम है। तो आप भी कोई एक मैकेनिक का नंबर साथ में रखना चाहिए, तो आप कभी ना कभी आपको काम में आ सकता है, तो उसको बोलना चाहिए, मैं कभी फ़ोन करेगा तो आप आ जाना, वरना आप कफील को बोल सकते हैं कि कफील का जैसे गाड़ी ख़राब हो जाएगा, पहले फ़ोन करके बता देना चाहिए कि गाड़ी ख़राब हो गया। अगर आपसे हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ करना तो करना चाहिए, वरना फिर आप छीना भी नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं मालूम है तो गाड़ी को छीना भी नहीं, गाड़ी वैसे ही खड़ी करना, उसके बाद जो है कफील को फ़ोन कर देना, वो खुद ही आकर के जो है गाड़ी को ले करके जाएगा, या फिर सता आएगा, या फिर वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा, कफील कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। एक्सीडेंट होता है तो भी यही करना होता है आपको, एक्सीडेंट पे आपको नजम को फ़ोन करना होता है, मुरूर को फ़ोन करना होता है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा कफील को फ़ोन करके बोल देना चाहिए, बस यही काम करना होता है और कुछ नहीं है बस। तो चलिए अभी चलते हैं रूम पे, अभी पता नहीं खाना वाना बनाना रुक गया यार मेरा, गाड़ी ख़राब हो गया। मैं गया था दुकान को ठंडा लेने के लिए, जैसे ऑफ किया फिर चालू नहीं हो रहा है, अल्लाह करीम। चलो रूम पे चलते हैं, देखते हैं आज का क्या है भाई। रुको जरा,
तो भाई दोस्तों मैं आ गया हूँ रूम पे, खाना बीना बना दिया हूँ। खाना बीना खाने के बाद में ये है गरम गरम दूध वाली चाय। आप लोग पीते हो कि नहीं चाय, ज्यादा बोलना भाई कमेंट करके। तो जो है ना कुछ कुछ यहाँ पर सब लोग अमीर दिल के नहीं होते, सब लोग जो है आपको गाड़ी खराब हो गई तो खामोश बैठने वाले नहीं होते। यहाँ पर ऐसे लोग भी है, आपकी गाड़ी जब आपके हाथ में खराब हो जाती है तो आपको बोलेंगे क्यों खराब हुई गाड़ी, कैसे खराब हुई गाड़ी, तेरा सैलरी कट करेगा, तेरा तनख्वाह कट करेगा, ऐसे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको सऊदी में। तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है, आपको सीधा सीधा जवाब देना है, गाड़ी है खराब हो सकती है, मकीन है भाई मशीन है, इंसान खराब हो जाता है वो तो मशीन है, उसको बनाने वाला इंसान है तो वो खराब हो सकती है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं कभी भी। जैसे इंसान को मौत बगैर बोल के आती है तो गाड़ी भी कभी भी खराब हो सकती है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। अब मैं सोचा भी नहीं था कि उसका सेल्फ खराब होएगा, ऑलरेडी वो 2014 मॉडल की गाड़ी है, अभी तक उसका सेल्फ खराब नहीं हुआ, अभी 2020 चल रहा है, अभी तक उसका सेल्फ का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो गाड़ी दुबई गई है, वो गाड़ी जिद्दा गई है, वो गाड़ी गसीम को गई है कितने मरतबा, वो गाड़ी गई अलखर्ज और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमी है, मेरे छुट्टी जाने के दौरान भी तकरीबन गाड़ी वो घूम के आई है। तो जाहिर सी बात है 500 यानी कि 5 लाख किलोमीटर वो चल चुकी है, यानी कि खमसमिया अल्फ बोलते हैं उसको अरबिक में, तो 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी है, फोर्ड कंपनी की एक्सपीडिशन गाड़ी है। खराब हो गई, फ़ोन करके बोल दिया भाई खराब हो गई गाड़ी, तो पहले बोला मैं क्या करूँ, मैं बोला मैं क्या करूँ, गाड़ी खराब हो गई बनाना है बनाओ, नहीं तो वहीं छोड़ के लात मार देके सीधा रूम पे आ जाएगा, यही होता है। मैं बोला मैकेनिक को बोल, वो मैकेनिक आएगा ले जाएगा, तो मैकेनिक आया फिर देखा चेक किया, फिर वो बोला कि गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होएगा। बोला मर्जी भाई, उसका गाड़ी मेरे को दे दिया, क्योंकि मेरे को इधर काम बहुत रहता है ना तो ये गाड़ी से करना पड़ता है, जो बाहर खड़ी है जीएम्स कंपनी की गाड़ी है, ओल्ड एकदम पुरानी वाली गाड़ी है, वो कभी भी ऐसे ही करता है, जब भी गाड़ी ले जाता है तो कोई भी एक गाड़ी ला करके दे देता है, क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। आपकी तबीयत खराब हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आप खाना खाओ, आप पैखाने में बैठो, पैखाना मालूम है ना बाथरूम को बोलते हैं, आप वहाँ बैठो, मुश्किल नहीं है, फोन आएगा पहले भागो फौरन से। तो गाड़ी भी है खराब हो सकती है, तो आपको डरना नहीं है, जब भी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है, सीधा सीधा बोलना है और कुछ नहीं करना है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह वो गाड़ी आज नहीं तो कल सुबह में आ जाएगी, जब भी आएगी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बस यही था भाई इस वीडियो में बताने का, आप लोगों के साथ शेयर करने का। चाय पीते हैं, इंजॉय करते, बाय।